बिहार में कोरोना की रफ्तार पर लगान, 5 जिलों में मिले 10 से कम नए मामले, बीते 24 घंटे में मिले 1174 नए संक्रमित। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा को किया रद्द, पीएम मोदी की बैठक में लिया गया फैसला। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां 15 जून तक रद्द, सरकार ने निकाला आदेश। और झारखंड में 10 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कई जिलों में आवश्यक सेवाएं रहेंगी छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण को लेकर के। देश में कोरोना संक्रमण की लगातार जो रफ्तार है वो अब गिर रही है। पिछले 24 घंटे में 1,32,788 नए मामले सामने आए। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, 24 घंटे में 1,32,778 नए मामले सामने आए। इतनी मरीजों की संख्या जो है वो अब देश में लगातार घटती जा रही है। और पिछले 24 घंटे में अगर इतनी मरीजों की बात की जाए तो 17,93,645 जो सक्रिय मामले हैं वो देश में है। वही पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले लोगों की अगर बात की जाए तो जिन्होंने कोरोना पर जंग जीता है उनकी संख्या 2,31,456 मरीज जो है वो पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,207 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़े हैं देश में कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार अब कमती हुई दिख रही है। और ऐसे में देश में अब संक्रमण का जो दर है वो भी घटता हुआ दिख रहा है। और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1,32,788 नए मरीज मिले हैं देश में, जहां एक तरफ 4 लाख से भी अधिक मामले सामने आ रहे थे, अब उसमें कमियां दिख रही है। और एक्टिव मरीजों की संख्या 17 लाख के पास पहुंच गई है, यानी कि अब लगातार मामले घटते जा रहे हैं। और 2,31,456 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। वही 24 घंटे में 3,207 लोगों की मौत भी हुई है इस संक्रमण में। दूसरी लहर जो है वो लगातार अपना कहर बरपा रही थी, हालांकि जैसे जैसे अब लोगों ने सावधानियां बरतनी शुरू की, साथ ही साथ सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की, लोगों को उससे जागरूक करने की कोशिश की, उसका असर है कि अब देश में भी कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो थमती हुई दिख रही है। और एक्टिव मरीजों की संख्या अब 17,93,000 से भी अधिक हो गई है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े को लेकर के देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले की संख्या जो है वो संक्रमण व्यक्तियों से अधिक है, और 3,207 लोगों ने दम तोड़ा है पिछले 24 घंटे में। तो ये हैं आंकड़े पूरे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अपना कहर बरपा रहा था, ऐसे में अगर देश की बात की जाए तो देश के अलग अलग राज्यों में भी संक्रमण की रफ्तार जो है वो लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य था, उसमें भी अब लगातार कमियां देखने को मिल रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए फोन लाइन पर, उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हालात हैं। निषेध, देश में संक्रमण की रफ्तार जो है वो लगातार अब कमती दिख रही है। बिल्कुल, देखिए देश में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है क्योंकि पहले के मुकाबले संक्रमित मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। जिस तरीके से पहले लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी लचर थी, लेकिन उन सभी व्यवस्थाओं को स्वास्थ्य विभाग ने सुधारा और इसी का नतीजा है कि अब धीरे धीरे संक्रमण की जो रफ्तार है वो कम हो रही है और मरने वालों की संख्या भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो कह सकते हैं कि ये असर देखने को मिला है, स्वास्थ्य विभाग ने काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन का जो असर है वो भी देखने को मिला, क्योंकि जब से लॉकडाउन किया गया है तब से जो मरीजों की संख्या उसमें थोड़ी गिरावट आई है और लॉकडाउन का भी असर देखने को मिला है। बिल्कुल, लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। और जिस तरीके से देखा जाए आंकड़े तो देश में मरने वालों की संख्या अब धीरे धीरे ही सही लेकिन कम हो रही है, जहां एक तरफ 4,045 एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में मरने वालों की संख्या होती थी, अब उसमें कमियां लगातार देखी जा रही है। और पिछले 24 घंटे में 3,207 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से देश में अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो देश के अलग अलग राज्यों ने अपने स्तर से लॉकडाउन लगाया और उस लॉकडाउन का असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। निषेध, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, हालांकि अब वो धीरे हो चुकी है, लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार और उसके बाद मौत का आंकड़ा जो है वो जितनी रफ्तार से मौत का आंकड़े कम हो रहा है, संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या कम हो रही है, मौत के आंकड़े उतने रफ्तार से कम नहीं हो रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए निशा, मौत के जो आंकड़े हैं, मृत्यु दर है, वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा, क्योंकि जो मरीजों की संख्या थी वो काफी ज्यादा थी और कई मरीज थे जिनका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था, कई बीच में ऑक्सीजन की कमी आ जा रही थी, दवाइयों की कमी आ जा रही थी, तो उसका भी थोड़ा असर देखने को मिला। लेकिन अब जो इलाज है वो ठीक ढंग से हो पा रहा है क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है, और जब मरीजों की संख्या में कमी आई है तो जो बाकी बचे मरीज है उनका इलाज अब थोड़ा ठीक ढंग से हो पा रहा है। उसी का नतीजा है कि अब धीरे धीरे मृत्यु दर जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि देश में अब स्वास्थ्य व्यवस्था जो है जो पहले चरमराई हुई थी, हालांकि अब सरकार की एक बेहतर कोशिश कह सकते हैं, एक बेहतर पहल कह सकते हैं, जिसका नतीजा है कि अब देश में संक्रमण की रफ्तार जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो अब हर जगह संक्रमण की रफ्तार कमती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर रफ्तार कम तो हुई है लेकिन पूरी तरीके से थमती हुई नहीं दिख रही है। निषेद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक बार जरा सा बिहार के भी परिदृश्य में देख लेते हैं कि बिहार की स्थितियां क्या है, उसके बाद फिर आपसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संक्रमण की रफ्तार देश में कम तो हो रही है लेकिन बिहार के मामले में क्या कुछ है। तो बिहार में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगती हुई दिख रही है और ऐसे में आखिर में बिहार राज्य जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो राज्य के कई जिलों में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोरोना के मामले गिर रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पिछले 24 घंटों के जो आंकड़े जिसने जारी किए हैं उसमें ये बताया गया है कि कोरोना संक्रमण में 1174 नए केस जो है वो शामिल हो गए हैं। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। पटना में कोरोना के 1032 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पूर्णिया में 72, बेगूसराय में 64, कटिहार में 62, मुंगेर में 57, मुजफ्फरपुर में 56 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य के 5 जिलों में 10 से भी कम मामले सामने आए हैं, जिसमें से कैमूर में 1, सारण में 5, बांका में 5, जहानाबाद में 6 और औरंगाबाद में 8 कोरोना के मामले सामने आए हैं। लेकिन कैमूर ये पहला ऐसा जिला नहीं है क्योंकि यहां पर एक मामले सामने आया। इससे पहले कैमूर एक ऐसा जिला भी बना था जहां पर कोरोना की रफ्तार जो थी वो थमती हुई दिख रही थी और पिछले 24 घंटे में एक भी मामले सामने नहीं आए थे। हालांकि अब कोरोना की रफ्तार के इस कहर के बीच जहां भले ही अब स्थितियां थोड़ी सुधर रही है, वहां कैमूर में अब एक मामले सामने है। एक बार फिर से जुड़ेंगे अपने सहयोगी निषेद से और निषेद से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं, इसके साथ साथ कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है उस पर भी नजर बनाए हुए। तो जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में चाहे देश की बात करें या फिर राज्यों की बात करें, अलग अलग स्तर पर संक्रमण की रफ्तार कमती हुई दिख रही है। और सबसे पहले बात अगर महाराष्ट्र की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो संक्रमण की रफ्तार थी वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी और एक दिन में 50,000 से भी ज्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे थे। और ऐसे में पिछले 24 घंटे में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 14,123 नए मामले सामने आए। इसके साथ साथ कर्नाटक में भी संक्रमण की रफ्तार हालांकि बढ़ती हुई दिख रही थी लेकिन अब वहां भी धीरे धीरे लगाम लगने लगी है। और पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में 14,304 संक्रमित मिले हैं, जबकि केरल में 19,760 और तमिलनाडु में 26,513 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में। वही आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 11,303, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,221 और दिल्ली में 623 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। कह सकते हैं कि दिल्ली में जो संक्रमण की रफ्तार है, सरकार की बेहतर व्यवस्थाएं और सुरक्षा को लेकर के देखा जाए तो बेहतर पहल की सरकार ने और उसका असर है कि अब कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो थमती हुई दिख रही है। और एक बार फिर से हम अपने सहयोगी निषेध से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बिहार की स्थितियां जैसी हैं। निषेध, क्या लगता है बिहार में जो संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है कहीं ना कहीं सरकार की बेहतर पहल ही कह सकते हैं? जी बिल्कुल निर्भय, सरकार की बेहतर पहल कह सकते हैं क्योंकि लगातार बिहार में भी संक्रमण का जो दर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और मरीजों की संख्या है वो कम देखने को मिल रही है। जो मरीज स्वस्थ हो रहे हैं वो ज्यादा संख्या में मरीज स्वस्थ हो रहे हैं और ये कह सकते हैं कि बिहार में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन एक बार फिर से बिहार में बढ़ा दिया गया है क्योंकि जो मरीजों की संख्या वो लगातार कम हो रही थी और ठीक भी मरीज हो रहे थे और कम संख्या में लोग इस वक्त घर से बाहर निकल रहे हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा भी कम बढ़ा हुआ है। तो बिहार सरकार भी लगातार काम कर रही है, बिहार स्वास्थ्य
जो है वो भी लगातार काम कर रही है। चलिए, बिहार सरकार बेहतर काम कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बेहतर है, उसको भी काम उस पर भी सरकार बेहतर काम कर रही है। लेकिन आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो रही है बिहार में, लेकिन इसमें कई सारी छूटें दी गई हैं, तो क्या लगता है इन छूटों के बावजूद अगर संक्रमण की रफ्तार को देखा जाए और छूटों को, क्योंकि आज सड़कों पर भीड़ अधिक है, तो ऐसे में क्या लगता है संक्रमण की रफ्तार और जिस तरीके से इस लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई है उसका असर तो नहीं दिखेगा? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, जो छूट दी गई है, रियायतें दी गई है लोगों को, तो उस स्थिति में लोगों को और पुलिस प्रशासन को समझने की जरूरत है। लोग जो समझे कि संक्रमण जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अब 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी सभी, तो हो सकता है कि दुकानों को भीड़ काफी लोगों की हो सामान लेने के लिए, और प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि कैसे वो भीड़ को कंट्रोल कराएंगे, किसी दुकान पे ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो फिर से संक्रमण की रफ्तार बढ़ेगी, और संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत है और प्रशासन को उन नियमों का पालन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, लोगों को समझने की जरूरत है, और डीटीवी भारत भी लगातार लोगों से अपील करता आया है कि कोरोना के इस काल में आप खुद को बचाने के लिए आगे आए और पूरे गाइडलाइन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद निषेध, आप हमारे साथ जुड़े, आप लगातार खबरों पर अपनी नजर बनाए रखिए, हम अपडेट लेते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध, जिन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, उसका बेहतर परिणाम यह है कि प्रदेश में लगा लॉकडाउन और साथ ही साथ सरकार की तैयारियां, क्योंकि सरकार जिस तरीके से स्थितियां पहले बिगड़ी हुई थी अब उसको कंट्रोल में ले चुकी है, और ऐसे में किसी भी तरीके की कमी नहीं होगी ऐसा दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और उसका असर भी दिख रहा है। हालांकि प्रदेश में संक्रमण के मामले कमे तो हुए हैं और इसका असर भी है कि लोग जागरूक है, और डीटीवी भारत लगातार आपसे अपील कर रहा है कि संक्रमण के काल में आप कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, और अब बात कोरोना से असर को लेकर के। दरअसल सीबीएसई 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम को रद्द कर दिया है। इससे पहले 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और अब 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि स्टूडेंट के हित का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया है। सीबीएसई 12वीं का एग्जाम जो है वो कैंसिल होने के बाद अब अहम सवाल यह है कि स्टूडेंट को मार्क्स किस आधार पर मिलेगा और रिजल्ट कैसे बनेगा, ये सवाल है। और ऐसे में केंद्र और सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि समय के अनुसार उचित क्राइटेरिया जो है उसके तहत मार्किंग की जाएगी और रिजल्ट जो है उसको तैयार किया जाएगा। वही स्टूडेंट को पिछली बार की तरह परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे वे बाद में एग्जाम देने का विकल्प चुन सकते हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उससे पहले इस परीक्षा को लेकर के 23 मई को भी एक बैठक हुई थी, जो बैठक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार हुआ था और इसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल थे, जिसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इसके साथ साथ जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। और उस बैठक में पूरे राज्यों से स्थितियों पर जानकारी रखने और साथ ही साथ सुझाव भी मांगा गया था, जिसमें से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी सलाह दिए थे, सुझाव दिए थे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल कोरोना के संक्रमण को देखते हुए परीक्षा को स्थगित करने के लिए भी कहा था। उसके बाद जब बैठक हुई और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए, उस फैसले से पहले जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी तबियत बिगड़ गई, उन्हें एम्स अस्पताल में भेजना पड़ा, जिसके बाद इस बैठक को थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया और शाम में मुख्यमंत्रियों के साथ और जो भी शिक्षा विभाग था उनके साथ बैठक हुई। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा यानी कि छात्रों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए बड़ा फैसला लिया। इधर बिहार में कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। डॉक्टर नर्सों से लेकर स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत तमाम दूसरे कर्मचारी जो हैं वो 15 जून तक छुट्टी नहीं ले पाएंगे। हालांकि कोरोना के दूसरी लहर फैलने के बाद उनकी छुट्टी पर 31 मई तक रोक लगा दी गई है, अब उसे बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया गया है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी जो है एसएस पांडे ने इस संबंध में सरकार का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि छुट्टी पर पहले से ही 31 मई तक रोक लगाई गई थी, अब 15 जून तक इसे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर या दूसरे अधिकारियों ने अगर अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्राप्त की है तो उन्हें भी छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा कोई और छुट्टी स्वीकार नहीं की जाएगी।
और जिस तरीके से स्थितियां सुधर रही है, ऐसे में सरकार पूरी तैयारी कर रही है और डॉक्टर जो कि इस समय कोरोना के इस काल में फ्रंटलाइन वर्कर बने हुए हैं, जो कि कोरोना के इस काल में लोगों को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, डॉक्टरों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया? जी हाँ निर्भय, डॉक्टर जो है, जो सरकारी डॉक्टर हैं, उनकी जो छुट्टी है उसको बिहार सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, जो पिछले बार कोरोना काल हुआ था उसमें भी हुआ है, और इस बार भी पहले वो 15 मई तक था और उसको बढ़ा के 15 जून तक के लिए कर दिया गया है। हालांकि सरकार द्वारा एक अच्छा पहल जरूर किया गया था कि जो भी मेडिकल स्टाफ है या फिर डॉक्टर है उन्हें 1 माह की अतिरिक्त वेतन जरूर मिलेगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। ऐसे में कोरोना काल चल रहा है, वो प्रतिदिन कोविड पेशेंट से मिलते हैं, जांच करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो तबियत है, स्वास्थ्य है, उस पर भी खतरा था, लेकिन सरकार ने अभी सब चीजों को दूर किनारे कर उनकी छुट्टियां जो है उसे भी कैंसिल कर दी है। हालांकि जो कोरोना का संक्रमण है वो जरूर बिहार में कम हो गया है, लेकिन डॉक्टरों की दिक्कतें और डॉक्टरों को लोगों से मिलना ये जरूर कम नहीं हुआ। बिल्कुल, डॉक्टरों से लोगों का मिलना है ये जरूर कम नहीं हुआ है, लेकिन संक्रमण की इस रफ्तार के बीच डॉक्टर ही जो है वो पृथ्वी पर फिलहाल भगवान का रूप अदा कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो संक्रमित हैं उस संक्रमण को कम करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन क्या लगता है उत्कर्ष, आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले बार सरकार ने डॉक्टरों को वेतन के रूप में ही रियायत दी थी, आगे मिलने की उम्मीद लग रही है? जी हाँ बिल्कुल, इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद बैठक में साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो नर्सिंग स्टाफ हैं चाहे वो डॉक्टर हो, सभी लोगों को 1 महीने की अतिरिक्त सैलरी दी जाएगी प्रोत्साहन के तौर पर। अब लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर यह है कि उनकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में जो लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो संक्रमित हो गए थे, उन्हें जरूर छुट्टी मिल रही है 14 दिन के लिए, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें फिर से काम पे लौटना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर लोगों की जो मरीज है उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे में अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उसके जिम्मेदार उसका ध्यान कौन रखेंगे, क्योंकि सरकार साफ तौर पर इन सब चीजों से पल्ला झाड़ रही है, केवल डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी जो है उनकी छुट्टियां रद्द कर रही है। बिल्कुल, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और इसके लिए सरकार ने हालांकि जो बातें कही है उसको देखना होगा कि आगे किस तरीके के वो अमल में लाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल 15 जून तक डॉक्टरों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। अब बढ़ेंगे आगे और बात अब करेंगे सरकार के एक नए फैसले की। सरकार ने नए फैसले लिए हैं। बिहार सरकार ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर अब वेब मीडिया में विज्ञापन को लेकर बिहार वेब मीडिया नीति 2021 के गठन की मंजूरी दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति दी है। दरअसल सरकार की ओर से उस न्यूज वेबसाइट्स को विज्ञापन दिया जाएगा जो 2 साल से अस्तित्व में या फिर सक्रिय होंगे। वही विज्ञापन के लिए प्रति माह 50 लाख से अधिक यूनिक यूजर का होना अनिवार्य होगा। कम से कम 50,000 से 1.5 लाख यूजर होने ही चाहिए, तभी सरकार ने इस नए फैसले का लाभ वो जो होगा वो उठा सकेंगे। और इसके लिए सरकार ने और भी कई सारी गाइडलाइनों को जारी किया है, जिसके मुताबिक अगर जो भी सरकारी विज्ञापन दिया जाएगा वो अगर गाइडलाइनों का पूरी तरीके से जो सरकार के आदेश है उसका पालन करेंगे तो फिर उनको सरकारी विज्ञापन मिल सकता है। इधर नवादा जिले के अनुमंडलीय अस्पताल का जिलाधिकारी यशपाल मीणा और सिविल सर्जन अखिलेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बताया कि 10 जून तक हर हाल में शिशु गहन चिकित्सा इकाई को शुरू किया जाए, ताकि आने वाले समय में क्षेत्र के ग्रामीणों को शिशु गहन चिकित्सा इकाई का फायदा होता रहे। और आगे की जो कोविड की तैयारियां हैं उस संबंध में ये विजिट किया गया, यहाँ के सिविल सर्जन साहब भी साथ में विजिट किए। और तैयारी हम लोगों की ये है कि हम लोगों का एक यहाँ पे जो 10 बेड का है उसको हम लोगों ने यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उनको टारगेट दिया है कि भाई 10 तारीख तक उसको फुली फंक्शन हम लोगों को कर देना है। उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको 10 तारीख तक हम लोग पूरा करें। इसके अलावा हम 30 बेड का हम लोग यहाँ पे पीडियाट्रिशियन जो वार्ड रहता है तो पीडिया वार्ड रहता है उसको तैयार करवा रहे हैं 10 तारीख तक यहाँ पे पीडिया वार्ड तैयार। इधर सीतामढ़ी में पत्रकारों से दुर्व्यवहार मामले में डॉक्टर दीपक कुमार को जेल भेज दिया गया है। प्रेस क्लब सचिव ने FIR दर्ज कर
एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दरअसल डॉक्टर दीपक कुमार ने अपनी पत्नी डॉक्टर निराला सिंह के अपहरण की एफआईआर नगर थाने में दर्ज कराई थी, जबकि एसपी ने बताया कि पति पत्नी में आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला डॉक्टर एक निजी होटल में रह रही थी। बता दें कि उक्त मामले को लेकर के नगर थाना के पुलिस ने कई होटल में छापेमारी की थी। इधर सूचना मिलते ही पत्रकारों की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद दंपत्ति डॉक्टर ने कुछ लोगों को बुलाकर पत्रकारों और पुलिस टीम पर हमला भी करा दिया था। इधर पटना सिटी में बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां बहादुरपुर थाना अंतर्गत रामकृष्ण कॉलोनी में एक लॉज संचालक के घर में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चार की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर घर वालों को बंधक बनाया और फिर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित परिजनों ने बताया कि अपराधियों ने 1,60,000 नगद समेत 10,00,000 के जेवरात भी लूट ली। वहीं इस पूरे मामले पर बहादुरपुर थाना अध्यक्ष सनोवर खान ने बताया कि फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और अपराधियों की जल्दी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जाएगी। सर, चार की संख्या में आए थे ये लोग, कुंडी खट्टा है और बोले कि अब उसके बाद कुंडी खट्टा है, मैं कुंडी खोला, कुंडी जैसे खोलते हुए धक्का मारा, धक्का मारते हुए नीचे गिरा और सीधा लेकर रिवॉल्वर टांग खट्टा खट्टा है रिवॉल्वर, मैं पहचानता हूँ, मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया, रिवॉल्वर का पंख खट्टा था, पिस्टल था के हाथ में, उन्होंने टांग दिया, टांगने के बाद मम्मी नहा रहे थे, वाइफ और बच्चे अंडर रूम में थे, रामकृष्ण कॉलोनी में जी घर में घुस के लूटपाट की घटना घटी है, प्रयास दर्ज किया गया है, हमारी की जा रही है। क्या अनुसंधान में अभी तक कहाँ तक पहुँचे, क्या मन लगता है आपको? अनुसंधान जारी है, कल की घटना है, विकास प्रदेश है, अनुसंधान में जो आए बताया जाए, अभी तो नहीं बता। इधर कटिहार में लॉकडाउन की मजबूरी ने मजदूरों को अपराधी बना दिया है। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे मजदूर और उनके साथी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और लूटे गए मोबाइल भी बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने कहा कि घटना को अंजाम देने से पहले ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। 31/5 को टनकुआ थाना अध्यक्ष दिन में गश्ती में वाहन चेकिंग वगैरह में निकले हुए थे, इसी क्रम में करीब 1:30 में बैलबासा रेलवे गुमती के पास दो व्यक्ति पुलिस को देखकर अचानक संदिग्ध लग रहा था, जिसको खदेड़ करके उन्होंने पकड़ा। तो जो दोनों है, वह एक अपना नाम शौकत राय, जो लक्ष्मीपुर फलका का निवासी है, दूसरा मोहम्मद कासिम बताया, जो शरीफगंज का। इधर नालंदा जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर किसानों के द्वारा प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन यास तूफान ने इस किसानों के मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है, जिसके कारण जिले के रहुई प्रखंड, बिहार शरीफ, हरनौत समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े ही पैमाने पर प्याज की खेती होती है। वहीं फसल के नुकसान के बाद अब किसान परेशान है और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। एक साल से तीन साल मतलब लॉकडाउन चल रहा था, वो सारा फसल मेरा प्याज का बर्बाद हो गया। कैसे? ये बारिश के कारण। अच्छा। बारिश के कारण तो प्याज सारा मेरा फसल खराब हो गया। ये हम खेत पट्टा पर लिए हुए थे, लगभग एक से 1.25 लाख रुपया हम खेत का पट्टा किराया देते हैं, हम छोटा मोटा किसान हैं, तो मेरा फसल जब घर नहीं जाएगा तो फिर हम कैसे बच्चे को पोष पालन। और अब बात झारखंड की करते हैं। कोरोना के मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य में 10 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालातों की एक सप्ताह बाद भी समीक्षा होगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा। कई जिलों को छूट दी गई है, लेकिन रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग और रामगढ़ को राहत से वंचित रखा गया है। यह फैसला इन जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या अधिक होने और संक्रमण दर अधिक होने के कारण ही लिया गया है। इसके बाद ही अगले 7 दिनों तक सभी कार्यालय दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। तो आपको बता दूं कि झारखंड में भी हालांकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो कमती दिख रही है, लेकिन ऐसे में लॉकडाउन यानी कि झारखंड में सुरक्षा सप्ताह के नाम से हम जिसे जान रहे हैं, सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने के लिए अब सरकार ने पहल कर दी और 10 जून तक प्रदेश में सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। इसके लिए खुद झारखंड के मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन ने लोगों से सोशल मीडिया पर सुझाव भी मांगा था और ये कहा था कि किस तरीके की स्थितियां होनी चाहिए उस पर सरकार को लोग अपना विचार दें। और ऐसे में इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से रिपुसूदन जुड़े हुए हैं। रिपुसूदन, सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया, 10 जून तक अब सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया यानी कि लॉकडाउन। तो बिल्कुल हमारे साथ हमारे सहयोगी का संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि झारखंड सरकार जो है वो लगातार बेहतर पहल कर रही है और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री जो है वो लोगों से ही राय ले रहे हैं और इसके लिए वो बजाते ट्विटर और अपने सोशल मीडिया माध्यम जो है उसके माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से राय ले रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से लॉकडाउन यानी कि सुरक्षा सप्ताह जो है उसको लेकर के सरकार ने सख्ती बरती थी और घर से बाहर लोगों को निकलने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी, यानी कि अगर जो भी घरों से बाहर निकलेंगे तो बजाते उनको पास लेने की जरूरत होती थी और जिसका लोगों ने भरपूर विरोध भी किया था क्योंकि पास लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना होना करना पड़ रहा था। और ऐसे में जो लोग बाहर निकल रहे थे उनको पास नहीं मिल रहा था और फिर सड़कों पर पुलिस की सख्ती दिख रही थी और उसका नतीजा था कि लोगों ने सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया था। तो कई राजनीतिक पार्टियों ने भी प्रदेश में लगे लॉकडाउन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी क्योंकि लोगों का यह कहना था कि सरकार ने जो पास की अनिवार्यता लागू कर दी है ये लोगों की निजता का हनन है, ये लोगों की सुरक्षा का हनन है। लेकिन सरकार ने कोरोना के इस काल में जिस तरीके से फैसले लिए और हेमंत सोरेन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसका असर है कि झारखंड में संक्रमण की रफ्तार कम है। और हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी रिपुसूदन रांची से जुड़ गए हैं। रिपुसूदन, झारखंड सरकार ने बेहतर फैसला कह सकते एक तरीके से लिया है, 10 तक अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। देखिए यहाँ पे झारखंड में 10 जून तक, हम अपने दर्शकों को बता दें कि 10 जून तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, इसकी अवधि को बढ़ाया गया, एक सप्ताह की अवधि को और बढ़ाया गया है। कारण है झारखंड में जिस तरह के संक्रमण रेट थे उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है और झारखंड को पूरे 24 जिलों को 2 जून में बांटा गया है, जिसमें 15 है और 9 जिले, 9 जिले से अभी भी संक्रमण हो रहे हैं, वहाँ कोरोना का मरीज मिल रहे हैं। उसमें है रांची है, बोकारो है, धनबाद है, जमशेदपुर है, देवघर है, हजारीबाग है, गढ़वा है, गुमला है और रामगढ़ है। तो इनमें खासकर इस पर ध्यान है कि कोरोना के यहाँ मरीज मिल रहे हैं। 15 जिलों को थोड़ी मोड़ी शर्तों के साथ छूट दी गई है, लेकिन अब झारखंड में 2 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। शादी ब्याह के समारोह में कोई छूट नहीं दी गई है। अभी भी आप एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी, दूसरे राज्य से झारखंड में आने के लिए आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी। तो अभी भी शर्त वही है, कोरोना की किस तरह इस लड़ाई को किस तरह हम झारखंड में जीते, माननीय मुख्यमंत्री ने ये देखा है और उसी को लेकर ये कदम उठाया। झारखंड में जिस तरीके से स्थितियां उस पर उसको देख करके ही मुख्यमंत्री ने कदम उठाया। लेकिन क्या लगता है रिपुसूदन, संक्रमण की रफ्तार जो है वो फिलहाल किस रास्ते पर चल रही है झारखंड में और संक्रमण की वहां स्थितियां कैसी है? देखिए अब झारखंड की बात करें तो 9 जिले में अभी भी संक्रमण जो है कि 1%, 2% और 10% तक है। बाकी 15 जिले ऐसे हैं वहां पे अभी संक्रमण रेट बहुत रफ्तार से कम है। तो वहां पे जो दुकानें हैं 2 बजे तक खुलेंगी और खासकर ये भी शर्त है कि जो दुकानें हैं उसमें ज्वेलरी, जूते शॉप और कपड़े दुकानें, ये बिल्कुल कपड़े दुकानें और बाकी जो आवश्यक सेवाएं जो होंगी वो उसमें थोड़ी सी छूट दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रिपुसूदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और झारखंड की स्थितियों को आपने जिस तरीके से बताया और सरकार ने जो फैसले लिए हैं कोरोना को रोकने के लिए बेहतर साबित हो और लोग जो है लगातार सरकार का सहयोग करते रहे ताकि कोरोना से जंग जीता जा सके। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।